हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग एक नेकबैंड का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइस, ये है हमारा बोल्ट का नेकबैंड, हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो आइए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो गाइस, ये हमारा प्रोडक्ट है, बोल्ट कर्व ऑडियो है। इसका MRP 899 है, बट हमें सेल में मिला है तो डिस्काउंट करके 699 पर आया हमको। तो आइए खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या और है। तो गाइस, इसमें एक ये नेकबैंड है जिसकी पैकिंग बहुत अच्छी की हुई इसने, और इसमें एक USB टाइप केबल है इसके चार्जिंग के लिए, और ये कुछ एक्स्ट्रा बड दिए हुए हैं कि अगर आपका गुम हो जाए या फिर अगर आपका कान में बड़ा या छोटा आता हो तो उसके लिए साइज अलग अलग साइज का इसमें बड है। और ये इसका वारंटी कार्ड है जिसको कि आपको ये QR कोड स्कैन करना होता है वारंटी क्लेम करने के लिए। और ये इसका यूजर मैनुअल है। तो यूजर मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग को पता है कैसे यूज होता है। तो आइए सीधे प्रोडक्ट को देखते हैं। तो गाइस, ये है हमारा नेकबैंड, ब्लैक एंड रेड कलर का है। इसमें एक दो और कलर था, ब्लैक एंड रेड और एक ब्लू कलर में, तो हमें मतलब सबसे अच्छा यही लगा। तो आइए अब इसे यूज करके देखते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो इसे कनेक्ट करते हैं अभी फ़ोन से और इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि कैसा है। तो गाइस, साउंड क्वालिटी तो इसका मतलब ऑसम है, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। नॉइज़ कैंसलेशन बहुत है क्योंकि साइड का कुछ भी नहीं आवाज़ आ रहा था। तो ये तो बेस्ट है। और इसका एक और बेस्ट चीज़ है कि इसमें ये मैग्नेटिक दिया हुआ है, ये आप लोग अगर यूज ना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ये मतलब इधर उधर जाता नहीं है। नहीं तो नॉर्मल नेकबैंड में इसका होता है कि अगर ये मतलब मैग्नेट नहीं होता है तो इधर उधर जाता है तो टूटने वूटने का डर रहता है ज़्यादा। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें, और इसका कलर अच्छा है, मतलब कान में भी बहुत अच्छा है, इसका बड फिट हो रहा है। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। वैसे तो इसका रेट 900 भी वैल्यू फॉर मनी है, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग सेल में खरीदें इसे, क्योंकि फ्लिपकार्ट के लगभग हर सेल में इसका डिस्काउंट में आता है, आपको कार्ड वगैरह का ऑफर लेके आपको 700 में हो जाता है। तो गाइज, ये तो बात हो गई नेकबैंड की, और आपसे एक और बात बोलना था। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग मेरा नहीं आया था, मैं इरेगुलर था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम आ गया था, कॉलेज वगैरह विजिट करना था मुझे, एग्ज़ाम वगैरह कुछ टेंशन चल रहा था, तो इसलिए बहुत दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब से मेरा कंटिन्यूस ब्लॉग आए। वैसे मैं हर बार यही बोलता हूँ, फिर मेरा छूट जाता है, बट इस बार जरूर मतलब 100% पर दूंगा कि इस बार अब से रेगुलर ब्लॉग आए। तो गाइज, इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।